हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप किसी और का व्हाट्सअप अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोन में अपना ही व्हाट्सअप चला सकते हो और आप किसी और का ही व्हाट्सअप चला सकते हो जिसका आप चलाना चाहते हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। आप जिसका व्हाट्सअप अपने फ़ोन में चलाना चाहते हो, आप उसका ही व्हाट्सअप भी चला पाओगे और अपना भी चला पाओगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमारा दिल ऐसा करता है कि हम अपनी फ्रेंड का व्हाट्सअप चलाएं या अपने भाई का भी व्हाट्सअप चलाएं, या हमें जिस पे विश्वास नहीं रहता है हम उसका व्हाट्सअप चलाएं, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारा दिल ऐसा ही करता है कि हम उसका व्हाट्सअप चला कर देखें, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कुछ हमारे साथ गलत कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि उसका व्हाट्सअप आप अपने फ़ोन में चलाना चाहते हो, तो आप कैसे चला सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों, किसी और का व्हाट्सअप चलाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक चाहिए, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिक का आप गलत फ़ायदा ना उठाएं। आप जब पॉसिबल तभी करें जब जिसका व्हाट्सअप चलाना चाहते हो वो इसके लिए रेडी हो। आप उसकी बिना मर्जी से ऐसा ना करें, क्योंकि ये गलत है। आप जिसका व्हाट्सअप भी अपने फ़ोन में चलाना चाहते हो, अगर उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल चला सकते हो। और कैसे चलाना है जे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और वहां पर टाइप करना है बार्ड स्कैन प्रो। अब आपको यहां पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, तो आपको नीचे जाना है। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा बॉट्स वेब स्कैन का, जो कि मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है। तो आपको ये अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। मेरे में इंस्टॉल इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे एक अलग इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्विफ्ट टू स्टार्ट का, तो आप इसे स्टार्ट करनी है आपको स्विफ्ट करके। अब आपके सामने अभी ऐड आ रहा है, अब आपके सामने नया इंटरफेस आएगा जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको सिंपली सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है बार्ड्स वेब का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ टाइम लोडिंग होने के बाद यहाँ पे एक QR कोड आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जिस किसी का भी व्हाट्सअप आपको अपने फ़ोन में चलाना है, उस इंसान का फ़ोन आपको कुछ मिनट के लिए अपने हाथ में लेना है। तो आपको उसका फ़ोन लेना है अपने हाथ में और उसका व्हाट्सअप ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको एक और फ़ोन लेकर दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो मैं एक और फ़ोन लेकर आता हूँ। अब इसमें आपको उसका व्हाट्सअप ओपन करना है। तो देखिए, मैंने फ़ोन ले लिया। जब आप उसका व्हाट्सअप ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो मेन पेज होता है वो ओपन हो जाएगा, और लास्ट जो ऊपर जो 3 पॉइंट होते हैं आपको उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर 3-4 तरीके ऑप्शन आते हैं, तो इसमें से आपको व्हाट्सअप वेब का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको टिक करना है, इस वाले पे। अब यहाँ पे देखिए, एक QR कोड ओपन हो चुका है, यानी QR कोड स्कैनर ओपन हो चुका है। अब आपको इस फ़ोन से अपने फ़ोन का जो कोड था, जो आप अभी आपने उस एप्लीकेशन में ओपन किया था, उसको स्कैन करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, इस फ़ोन में व्हाट्सअप ओपन हो चुका है, इसमें तो ओपन था ही, इसमें लोडिंग हो रहा है। अब देखिए, इस फ़ोन में भाई व्हाट्सअप ओपन हो चुका है, जो व्हाट्सअप उस अभी मैंने स्कैन किया था उसमें था। यानी कि आप जिसके फ़ोन से भी स्कैन करोगे उसके सारे डिटेल आपके फ़ोन में आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हो किसी को भी, और जिसके पास रिप्लाई करोगे उसको ऐसा लगेगा कि आपने नहीं, उसने रिप्लाई किया जिसके नंबर से गया है। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन इसका यूज आप तभी करना जब जिस बंदे का आप व्हाट्सअप चला रहे हो वो इसके लिए एग्री हो। आप किसी का व्हाट्सअप बिना बताए उससे यूज मत करना, क्योंकि ये गलत तरीका है। ये सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हो
जब इसका व्हाट्सएप चलाना चाहते हो वो इस बात के लिए तैयार है या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों ये। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, तो दोस्तों में शेयर करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की कुछ अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।